आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राफेल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया, राफेल विमान क्यों 1600 करोड़ में खरीदा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी राफेल की कीमत को लेकर जवाब दें। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि राफेल विमान सौदे में घोटाला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर राफेल विमान की खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी तो सरकार ने विपक्ष की जेपीसी से मामले की जांच कराने की बात क्यों नहीं मानी। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान खरीदी मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद अमित शाह सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निशाने पर ले लिया है। राफेल विमान डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफी समय से हम राफेल हवाई जहाज की डील में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और ये नया किस्सा नहीं है। अब ये एक दो सालों से ये बातचीत चल रही है और हमारी तीन चार हमारे सवाल हैं। एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया। 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला। एचएल बेंगलोर के पास जमीन है, एचएल बेंगलोर के पास रेप्यूटेशन है, एचएल बेंगलोर हवाई जहाज बनाती है, अनिल अंबानी को एचएल से छीन के आपने क्यों दिया। हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों दिया। उसके बाद हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भैया हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए और 36 हवाई जहाज की जरूरत है। तो ये हमारे सवाल है। यहां पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और किसानों याद रखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है। ये जो पैसा लिया है इन चोरों ने, ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है और इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है। और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सौदे में हुई गड़बड़ी के कई तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लिया है, जबकि ये रिपोर्ट संसद में आज तक प्रस्तुत नहीं हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।